राजस्थान के बाड़मेर जिले के बैतू इलाके में कल रात भारतीय सेना का एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इस भीषण हादसे में प्लेन के अंदर मौजूद दोनों पायलट शहीद हो गए। शहीद हुए पायलट में फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बल भी शामिल थे। आदित्य बल के शहीद होने की खबर उनके घर पहुंचते ही पूरे इलाके में मातम छा गया। बेटे की मौत से दुखी उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। घर में छाए मातम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आदित्य बल की माँ जोर से रो रो कर मुझे नहीं जीना, मेरा बच्चा चल गया कहती हुई सुनाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का ये विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था। बृहस्पतिवार रात 9:15 बजे ये हादसा बैतू के भीमड़ा गांव के पास हुआ। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया, भारतीय वायुसेना के 2 सीटों वाला MiG-21 ट्रेनर विमान आज शाम राजस्थान के उत्तरलाई हवाई अड्डे से प्रशिक्षण उड़ान के लिए रवाना हुआ। रात करीब 9:15 बजे बाड़मेर के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।